नमस्कार, मेरा नाम अनिल कुमार है और आप देख रहे हैं द एचडी न्यूज। इस वक्त पटना सिटी से जो खबरें आ रही हैं वह गंदगी भरे पानी के बीच शिक्षा लेने को बच्चे मजबूर हैं। वहीं बता दें आपको कि बिहार सरकार को शिक्षा व्यवस्था को लेकर कई दावे करते आए हैं कि बिहार में बच्चों को अच्छी तालीम दी जाती है, लेकिन जो तस्वीर हम लेकर आए हैं वह शिक्षा विभाग की आँख खोल देने वाली तस्वीर है। हालाँकि हम जिस स्कूल की बात कर रहे हैं वह स्कूल पहले सुकुमारपुर जिला वैशाली की में आता था, वह जो है अब वैशाली में कटाव होने के कारण पटना सिटी एक आंगन घाट के पास आ चुका है। यही पर सारे बच्चे शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं। हालांकि जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं यह शिक्षा विभाग के नाकामी की तस्वीर है, जहां विद्यालय में करीब एक फीट बारिश का पानी अभी भी विद्यालय के कैंपस में जमा है और वह पानी कितना गंदा हो चुका है आप देख कर समझ सकते हैं। हालाँकि हम इस मामले में यहाँ के प्रिंसिपल से बात करते हैं कि आखिर वो क्या कहते हैं। बरसात का ही पानी है जमा हुआ, जब से दोनों रोड बन गई ऊंचा हो गया और इधर भी प्लांट का बिल्डिंग बन गया ऊंचा कर दिया और इधर बालू भराया गया, शायद मनरेगा से या जो भी हो, इसके कारण विद्यालय नीचा हो गया। विद्यालय के चारों तरफ और विद्यालय के परिसर में नहीं भराया गया बालू, तो ये नीचे बरसात का जब भी पानी आता है तो ये भर जाता है और थोड़ा वही सूखने में टाइम लगता है। तब तक हम लोग कब तक ये स्थिति बनी रहती है? दो तीन दिन को अभी तो सूखा है, जिस दिन हम लोग आए हैं खुला है विद्यालय 6 तारीख को, तो पानी अच्छी था, सीढ़ी डूबा हुआ था बहुत, ये तो पानी देखने से लगता है बहुत काफी पहले। हाँ, तो 10 दिन से उधर तो बारिश हुआ ना दशहरा का, वही बारिश का। अब बाकी जितना रोड का पानी है इधर का भी हो गया, प्लांट का जितना है सब देखिए, बाहर से जाके देखिए पूरा नाला जैसा काट दिया सब पानी, वो जितना जल नल का योजना का पानी रोड का उस सब पानी का कटाव ही किया है, स्कूल में ही आ रहा है, कहीं जाने का रास्ता ना। तो उसी बीच में बच्चे को मध्याह्न भोजन कराया जाता है ना? जी, लेकिन अब है बरामदा सूखा हुआ है, ऊपर सूखा हुआ है, तो बच्चे आते हैं तो भूखे आते हैं, उन लोग को उम्मीद रहता है और हम लोग को देना भी है, तो जब आते हैं तो सब चीज पढ़ाते हैं तो उसका वही रूम में खिला दिए। अच्छा, इसके लिए कहीं समस्या को दूर करने के कहीं कुछ लिखे नहीं है, लेकिन लोग जानते हैं शिकायत जो आए हैं पदाधिकारी लोग तो जाने हैं कि विद्यालय नीचा है, पानी भी जमा हुआ था, तो उसको निकलवाने की क्या व्यवस्था है? वो सब लोग नहीं कुछ नहीं कोई नहीं कुछ किया है, और हम गांव को और सब है यहाँ जो पंच है लोग को भी कहे थे कि थोड़ा सा भाई ये कम से कम काटिए नहीं पानी, आपका नाला है नाला में पानी ले जाइए, तो बरसात का पानी बहेगा तो बालू उलू है सूख जाएगा, लेकिन जो रोड का पानी सब आ जा रहा है उससे ही ज्यादा जम रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मतलब इसमें पढ़ाते हैं ना बच्चों को? जैसे पानी सूख जाएगा उसके बाद नहीं, ये बारिश का पानी है, ऐसा बारिश का पानी है और बगल में गड्ढा है, वो गड्ढा का पानी दीवार की साइड से नीचे से आ रहा है। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम, हम सिर्फ घर नहीं खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे नंबरों पर संपर्क।